और पराली और बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नया सिंह सैनी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के आरोप जो हैं वो हमेशा इसी तरह से आते रहते हैं, इसी तरह से आरोप लगते रहते हैं। हमने पराली मैनेजमेंट को लेकर अच्छा काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाती है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी आरोप लगाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने यमुना को स्वच्छ करने के लिए भी 6000 करोड़ रुपए दिए थे। आम आदमी पार्टी इस पैसे का दिल्ली के लोगों को हिसाब दे, ये बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही हैं। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को पर आरोप लगाती है, कभी किसी को पर आरोप लगाती है, अपने गिरेबाह में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया है कि उसको स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, अतिशी को क्यों इनके लग रही है, वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है। उसके लिए इतना पैसा भी दिया है, घर में बैठ करके आरोप लगाना और काम की तरफ ध्यान नहीं देना। वो पैसा भी दिया, उसका ही हिसाब किताब बता दो दिल्ली के लोगों को कि मोदी जी ने इतना पैसा दिया था उसके स्वच्छता के लिए, क्या किया है क्या नहीं किया। देखिए, हमने पीछे भी पराली मैनेजमेंट को लेकर के अच्छा काम किया है, माननीय कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की थी, और आम आदमी की सरकार को ये कहा था कि आप हरियाणा से सीख लें। ये कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां से सीख लें और अपने लिए भी पराली प्रबंधन का काम करें। हमने यहाँ पर अभी अधिकारियों को मैंने कहा भी है कि हमारा, मैं किसानों से भी, अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करना चाहूंगा कि आप पराली ना जलाएं, इससे क्योंकि हमारी जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती है, हमारी जमीन बंजर होती है और हमारे किसान बड़े सम्मानित हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि हम पराली ना जलाएं, दूसरे को भी रोकें अगर कोई पराली जलाता है। आगे आकर के किसानों से अपील करूंगा क्योंकि हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर प्रति एकड़ वो पराली उठाता है, आग नहीं लगाता, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। और हमने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इकट्ठा करने के, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी के ऊपर किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने अभी कहा है कि अगर और आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए।